गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था चाल, समय और दूरी। इसके दो वीडियो आज ऑलरेडी आ चुके हैं, आप लोग देख लीजिए, आई बटन में आ जाएंगे। जब आप ये वाला वीडियो चला रहे होंगे तो एक वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिलेगा और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा लिंक उसका, तो उससे आप देख लीजिए। और नहीं तो आप चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट पर जाइए और उसको क्या करिए आप देख लीजिए। और अगर आप वहाँ तक पहुँच जाइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें रोज़ रोज़ कहने वाली हैं नहीं, ठीक है? तो इसलिए हम बार बार हम ये चीज़ें कहते नहीं हैं, लेकिन अगर आप वहाँ तक जाइएगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखिए, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़े, अभी हमने ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन पढ़े पिछले दिनों में, और हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े पिछले अपने पिछले के जो टॉपिक थे उनसे पढ़े, और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। मैंने आपको जरा सा एक कॉन्सेप्ट बताया था शुरुआत में, मैंने कहा था कि मैंने आपको दो तीन संबंध बताए थे। एक तो संबंध ये बताया था कि डिस्टेंस का स्पीड से संबंध क्या होता है। तो मैंने कहा था कि स्पीड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, डिस्टेंस के। तो मैंने कहा था अगर S1 अपॉन S2 होगा तो D1 अपॉन D2 होगा। सबसे पहले वाले वीडियो में आई बटन पर आ जाएगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। मतलब क्योंकि S इज इक्वल टू D अपॉन T होता है ना, बताया था। दूसरी चीज़ मैंने कही थी कि S इज इक्वल टू S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D होता है और S इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T होता है। बात समझ में आ गई? टाइम कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैंने कहा था अगर हम इसका रेशियो निकालें तो हो जाएगा T2/T1। मतलब चाल और समय का आपस में कैसा अनुपात था, तो आपने बताया कि सर व्युत्क्रमानुपात का अनुपात था, ठीक है? तो ये दो चीज़ें बड़ी ही इम्पॉर्टेंट थी उस वाले उसमें हमने बताया था। अब इस पे बेस्ड हम आपको क्वेश्चन कराएंगे कि जो मैंने चीज़ें बताई थी कैसे समय और कैसे चाल व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, कैसे अनुपानुपाती होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है समय वाले, S1/S2 = T2/T1। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में उस दिन आ गई थी कि व्युत्क्रमानुपाती कैसे होता है। क्योंकि अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो मतलब उसकी चाल कम होगी। बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप तेज़ दौड़ोगे तो आप कम समय में किसी जगह पे पहुंच जाओगे, और अगर आप धीमे दौड़ोगे, मतलब अगर S बढ़ेगा तो T क्या होगा, घटेगा। मतलब अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम कैसा होगा, ज़्यादा लगेगा। जानते हैं ना, अगर आप धीरे में दौड़ेंगे तो किसी जगह पर पहुँचने में आपको कैसा होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ज़रा सा एक कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तब भी आपको समझ में ये बात आ जाएगी कि स्पीड और टाइम में कैसा होता है अनुपात, तो व्युत्क्रमानुपात होता है। तो ये चीज़ आप समझ में आ गया कि अगर दो आपको चालें दी गई हूँ, अगर आप वहाँ से आपको समय का रेशियो पूछे, समय का अनुपात पूछे, तो आप वहाँ से इजीली फाइंड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो बोले सर बिल्कुल कर पाएंगे। तो मैंने कहा चलो एक सवाल दे के देखते हैं। चलो तो पहला सवाल कुछ इस प्रकार से बोला, एक बच्चा अपनी वास्तविक चाल की 4/5 चाल से अगर जाता है तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। कोई एक बच्चा है तो उसकी जो स्पीड है वो पहले और बाद वही है, तो कह रहा है कि बच्चा अपनी स्पीड की 4/5 चाल से जाता है। कितनी चाल से जाता है, 4/5। तो अभी जब मैंने आपको प्रश्न पढ़ाया था तो मैंने बड़ी एक दिलचस्प चीज़ बताई कि जो नीचे का जो चीज़ होता है मूल संख्या, वास्तविक संख्या प्रिंसिपल नंबर होता है। तो मतलब पहले जब जाता था 5 से, लेकिन अब कितने से जाता है, अब जाता है 4 से। मतलब अपनी 4 का टोटल चाल कितनी थी, 4, और कहता है 4/5 से जाता है, टोटल थी 5, लेकिन जाता कितने थे, 4 से जाता, मतलब 1 से कम जाता है, ठीक है? तो 5 मिनट देर से पहुँचता है। अगर यार मैं यहाँ आपसे टाइम का अनुपात पूछूँ तो क्या मुझे टाइम का अनुपात बता पाओगे? ये स्पीड का ही तो है बात, बताओ। यही तो कह रहा है कि अपनी चाल कि 4/5 से जाता है, जितनी उसकी वास्तविक चाल थी, वास्तविक चाल थी कितनी 5, जाता कितने 4 से, 4/5 जाता। अगर हम कह दें कि टाइम का अनुपात बताओ तो क्या आप ये नहीं कहोगे 5/4? भाई अगर व्युत्क्रमानुपात, अगर 4 जाएगा तो 5 लगेगा और 5 जाएगा 4 नहीं लगेगा, अगर कम स्पीड जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा जाएगा कम लगेगा। बात समझ में आ गई? तो जब भी कभी आपको स्पीड का अनुपात दिया जाए तो आप टाइम का अनुपात इजीली फाइंड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कर पाओगे। तो मैं कहूँ टाइम, तो आपने कहा कि सर 4/5, तो पहले जाता था 5 से, अब जाता है 4 से,
तो अब लगते हैं उसको कितने, जब भाई कम से जाएगा तो उसको यही तो है कुछ। जब कम से जाएगा तो अब नीचे वाला, तो पहले लगते थे 4 मिनट, अब कितने लगते हैं, 5 मिनट। बात समझ में आ गई? नीचे वाला मूल होता, पहले कितने लगते थे, 4 मिनट, अब कितने लगते हैं, 5 मिनट। तो जरा सा एक बात बताओ, उसके टाइम में अंतर कितना आया है? तो सवाल के हिसाब से अंतर आया है एक का, एक यूनिट का, लेकिन उसमें कह रहा है 5 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब 1 = 5। तो कह रहा है कि उसका वास्तविक समय बताओ, तो बताओ वास्तविक समय कौन सा था? यही समय तो था पहले वाला, तो वास्तविक समय कहा जाता है भाई, पहले जितने से जाता था, अब उसने बाद में घटा बढ़ा दिया है ना, वास्तविक यही तो है। तो बताइए अगर 1 = 5 के, तो 4 × 5 = 4 = 20 मिनट। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? मतलब जो उसका वास्तविक टाइम वो कितना है, 20 मिनट। फिर से समझिए, अपनी चाल का 4 / 5 जाता था, मतलब पहले चाल 5 पूरा जाता था, लेकिन अब कितना जाता है, 4 से। पर पहले उसकी चाल थी मान लो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अब काल चाल कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समय जस्ट अपोजिट लगा, पहले जब 5 से जाता था ना तो उसको लगता था 4, लेकिन अब जब 4 से जाता है तो उसको लगते हैं 5 मिनट। अब अगर हम देखेंगे इनमें दोनों में अंतर कितना है, तो बताया कि सर दोनों टाइम में 1 यूनिट का अंतर है। सवाल कह रहा है कि 5 मिनट देरी से पहुंचता है, समझ गए बात? तो बात कुछ इस प्रकार से थी, ठीक है। अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर आप तरीका फॉलो करोगे तो आपको बड़े नहीं लगेंगे, अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे, समझ रहे हैं? चलो अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल की 7/11 से जाती है, तो स्पीड का देखो रेशियो दिया गया है, वास्तविक की 7/11 से जाती है, तो जो नीचे दिया होता है वो होता है वास्तविक, तो पहले कितने जाती थी, 11 से, अब कितने जाती है, 7 से। तो स्पीड का देखो रेशियो यहाँ पे आपका आ गया, पहले बिफोर और आफ्टर। पहले कितनी जाती थी, 11 से, अब कितने जाता है, 7 से। तो अगर टाइम का रेशियो पूछे तो बताइए कितना हो जाएगा, तो यह तो बताएंगे 7 और 11। पहले जब 11 की स्पीड से आता था तो कम टाइम लगता था, लेकिन अब कम की स्पीड जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। कह रहा है तो 22 मिनट लेती है, कितने मिनट लेती है, 22 मिनट, ठीक है। अगर वास्तविक चाल से जाए तो कितने, भाई पहले जाती थी 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मान लें ऐसा, तो 7 ले, पहले 11 यूनिट की रफ्तार जाती थी, 7 मिनट लेती थी, अब जाती है 7 से, तो कितना लेती है, 22 लेती है। सवाल के हिसाब से कितना लेती है, 11, और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 22 घंटे लेती है, यही तो है बाद वाला टाइम। अब जब 7 से जाती है तो कितना लेता है, 11 यूनिट की टाइम लेती है, सवाल के हिसाब से 22 यूनिट, तो काटे को तो 1 = 2 यूनिट, 2 घंटे, तो 7 = 14 घंटे। बात समझ में आ रही है, 7 × 2 ही तो करोगे, 14 घंटे। तो कह रहा है कि बताइए अगर अगर वह वास्तविक चाल से जाए, अगर वह वास्तविक चाल से जाए तो कितना समय बचा लेगी, तो वास्तविक चाल से जाए तो बताओ 1 = 2, तो 11 = 22 घंटे। बात समझ में आई है, 1 = 2 आया तो 11 = 22 घंटे। तो पहले 14 घंटे लगते थे, अब लगते हैं 22 घंटे, तो अगर इस वाली चाल से जाएगी तो कितने बचा लेगी बताओ। जब 11 से जाती थी तो 14 घंटे लगते थे, 7 से जाती तो 22 घंटे लगते, कितना बचा लेगी, तो बचा लेगी जो 22 - 14 = 8 घंटे बचा लेगी। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, ठीक है। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बड़ा दिमाग लगा के समझना है। कह रहा है कि एक जो ट्रेन है वो अपनी रफ्तार की 7/11 रफ्तार से जाती है और 11 घंटे लेती है, 7/11 जाती, इसका मतलब बड़ा सीधा सा ये हुआ कि पहले जाती थी 11 से, नीचे वाली होती है मूल संख्या, पहले जाती थी 11 से, अब जाती है 7 से। तो मैंने लिखा पहले जाती थी 11 से 11 यूनिट की स्पीड से, अब जाती है 7 यूनिट की स्पीड से। मैंने कहा अगर आपसे हम टाइम पूछे तो टाइम जस्ट अपोजिट, जब भाई जब ज़्यादा चाल से जाएगी तो कम समय लगेगा, कम चाल से जाएगी ज़्यादा समय लगेगा। तो क्या भैया टाइम का रेशियो 11/7 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, 11/7 आ गया। अब कह रहा है तो कितने घंटे लेती है, 22 घंटे, मतलब जब इतने से जाती है तो 22 घंटे लेती है, मतलब यही तो है कि 7 से जब गई तभी तो उसने 11 घंटे लिए, 11 = किसके, 22 के, 1 = 2 घंटे के। तो पहले, तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें, पहले लेती थी 22 घंटे, अब लेती है 14 घंटे, तो कितने घंटे, अगर वो अपनी वास्तविक चाल से जाए, मतलब पहले वाली चाल से जाए, तो कितने घंटे बचा लेगी, 22 - 14 = 8 घंटे बचा लेगी, बचा लेगी।
बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हमारा बड़ा सीधा सिंपल सा सवाल था। अगर आपको नहीं आता है तो आप बहुत ही ध्यान से समझिए, सीखिए। आपको ये ट्रिक है कैसे आप लगा सकते हैं, कैसे आप इतने बड़े सवाल को कैसे आप समराइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं और अपना आंसर इजीली पा सकते हैं, ठीक है? तो इस जगह पे आप समझिए, समझने की कोशिश करिए थोड़ी सी। चलो देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 30 किलोमीटर चलने में अभय 2 घंटे समीर से ज़्यादा लेता है। यहाँ पर 2 कैरेक्टर हैं, देखो, एक है समीर और एक है अभय, ध्यान रखो दोनों है। कह रहा है कि जब जो 30 किलोमीटर जाना है किसको चलने में, अभय समीर से 2 घंटे ज़्यादा लेता है, मतलब अगर समीर से कितने घंटे ज़्यादा लेता है, 2 घंटे ज़्यादा लेता है, मतलब समीर इसे 2 घंटे कम लेता होगा, ठीक है। अगर अभय अपनी चाल को दोगुना कर देता है तो समीर से 1 घंटा कम लेता है। तो फिर देखो अभय, अब यहाँ पे अभय आगे आ गया कि अगर इसने अपनी चाल दोगुना कर दी तो 1 घंटा कम लेने लगा, मतलब 1 घंटा पहले पहुँच जाएगा। बात समझ में आई? तो बताओ अगर अभय से अभय की तुलना करें तो इसने कितना कम टाइम लिया, तो ये 2 लिया 1 लिया तो बराबर 3 घंटे नहीं हो गए? अगर यहाँ से यहाँ की तुलना करें तो क्या बराबर उसके ये 3 घंटे के टाइम, ये प्लस माइनस मत गिनिएगा, बात समझ में आ रही है? प्लस माइनस मैंने ऐसे ही लिखा है। समीर से 2 घंटे ज़्यादा ले रहा था जब 30 किलोमीटर उसको जाना होता, जब से अपनी सेम रफ्तार से चल रहा था, अब उसने क्या किया, अपनी स्पीड को दोगुना कर दिया, तो अब वो कितने ले रहा है, 1 घंटे कम टाइम ले रहा है। तो अगर हम इस अभय से इस अभय की तुलना करें तो टोटल 3 घंटे के टाइम वो कम लेगा, बात समझ में आ गई? तो कह रहे हैं, अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा है कि जो स्पीड और टाइम होता है उसका आपस में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है, मतलब अगर मान लो कि किसी कोई अभय है एस स्पीड से जा रहा है, वो टी टाइम ले रहा है, अगर वो 2s स्पीड से जाएगा तो टाइम कितना लेगा, T/2 लेगा या नहीं लेगा, बात समझ में आ रही? जस्ट व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है, तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, तो टाइम इस रेशियो में घटता है कि अगर वो दुगुनी स्पीड जाएगा तो उसका टाइम दुगुना कम भी होगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। अगर ये 3s स्पीड से जाएगा तो इसका टाइम T/3 हो जाएगा, अगर ये 4 गुनी स्पीड से जाएगा तो इसका टाइम 1/4 कम हो जाएगा, बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे टाइम डिक्रीज होता जाएगा, ये चीज़ बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसका व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है, ठीक है। अब 3 घंटे कम लेता है तो कह रहा है कि अभय की चाल ज्ञात करो, तो अगर हम अभय की चाल, तो पहले वो जा रहा था, पहले जब वो समीर से इतने में जा रहा था तो एस से जा रहा था तो टी में पहुंच जाता था, लेकिन उसने अपनी चाल कर दी 2 गुनी, अभय ने अपनी चाल 2 गुनी की, समीर का कोई लेना देना है नहीं, तो भैया इसमें उलझ मत जाना। अभय यहाँ पर था तो जब 2 घंटे लेट हो गया था तो यहीं से उसने चाल तो अपनी 2 गुनी की है, चाल को अपना 2 गुना किया है, तो जब उसने 2 गुनी चाल कर दी तो टाइम कितना लगेगा, आधा लगेगा कि नहीं लगेगा, आधा लगेगा और आधा बच जाएगा, तो यही जो आधा है यही क्या है, 3 घंटे के बराबर है। बात समझ में आ गई। यहाँ से जब 2 गुनी करेगा तब उसको कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे लगेगा, और अगर सवाल के हिसाब से देखें तो T/2 टाइम लगेगा, तो T कितना आ जाएगा, 6 घंटे आ जाएगा, मतलब उसको वास्तविक टाइम कितना लगेगा, उसको वास्तविक टाइम यहाँ से यहाँ आने में, मतलब अभय से 1 घंटे ज़्यादा, 2 घंटे कवर करे और 1 घंटा और कवर करे, 2 घंटे भाई ऑलरेडी लेट था, तो ये 2 घंटे कवर करेगा तो समीर के बराबर चाल चल पाएगा, और फिर 1 घंटे और ज़्यादा लाएगा तब वो अभय तक पहुँच पाएगा, मतलब अपने यहाँ तक पहुँच पाएगा। 3 घंटे तो आ गया, 6 घंटे तो कह रहा है चाल ज्ञात करो। 30 किलोमीटर की दूरी थी, हमें समय पता है, तो चाल बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस कितनी थी 30 किलोमीटर, टाइम कितना है 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से अगर वो चलेगा तो वो टाइम से यहाँ पर पहुँच जाएगा, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहाँ पे जो टाइम का जो कवरिंग है ये आपको बहुत अच्छी तरीके आना चाहिए, ठीक है। अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्किप करके नोट कर लीजिए, बाकी मैं हटाता हूँ। अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन
कह रहा है एक बाप और बेटे की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्पीड ऑफ बाप ठीक है और स्पीड है बेटा, बाप की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर है, बेटे की 18 किलोमीटर, बाप की 12 और बेटे की 18, दोनों की स्पीड में अनुपात आ गया बाप बेटे की। अगर मैं कहूँ कि बताओ बाप बेटे की का समय का अनुपात बताओ तो क्या करोगे? हमेशा याद रखो कभी भी स्पीड का अनुपात आएगा तो यहाँ पे काटोगे नहीं, चाहे जितना कट रहा हो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, लेकिन काटना नहीं है क्योंकि गलत हो जाएगा ठीक है। काटोगे जाके आप, अगर बहुत शौक है तो आप समय में काटोगे जाके ठीक है, स्पीड में आप नहीं काटोगे। मैं कहूँ अगर समय का अनुपात बताओ तो टी बाप बटे टी बेटा इज इक्वल टू 18/12 आ जाएगा, जस्ट उल्टा होता है 18/12 आ जाएगा, यहाँ पे कट कर लो 3/2 आ जाएगा, तो टाइम का अनुपात 3/2 आ गया। कह रहा है दोनों ए से बी तक जाना चाहते हैं, बेटा बाप से 39 मिनट बाद चलना शुरू करता है, समझो मेरी बात, यहाँ से चलना शुरू किया था, बाप चला भैया और बेटा चला, बड़े ध्यान समझना, तो बाप जब चलना शुरू करते उसके 39 मिनट बाद बेटा चलना शुरू करता है, ध्यान से चलना शुरू करे और 21 मिनट पहले पहुंच जाता है, एक तो 39 मिनट बाद चलना शुरू किया ऊपर से डेस्टिनेशन पर 21 मिनट और पहले पहुंच गया, तो बताओ कुल टोटल उसने टाइम कितना कवर किया, बाप से उसने कितना कम समय लिया, तो बाप से कम समय लिया 0 और 6 मतलब 60 मिनट मतलब 1 घंटा। यहाँ पे थोड़ी ये बात समझ में आएगी नहीं, मैंने 1 घंटा कैसे कर दिया। मैं कहूँ कि आपने अपने पिताजी से 20 मिनट लेट चलना शुरू किया और किसी स्थान पर अपने पिताजी से 10 मिनट पहले पहुँच गए, तो बताइए आपने पिताजी से कितना कम टाइम लिया, तो एक तो पहली बात तो 20 मिनट ऑलरेडी लेट चले थे वो टाइम आपने कम लिया पिताजी से, 10 मिनट जल्दी पहुँच गए आपने वो टाइम पिताजी से ज़्यादा कम लिया, तो आपने प्रॉपर 30 मिनट टाइम कम लिया। ऐसे ही बेटे ने 39 मिनट बाद चलना शुरू किया था और बाप से 21 मिनट पहले पहुंच गया, तो बताओ उसने कितना कम समय लिया, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। सवाल के हिसाब से 1 यूनिट और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 1 घंटा, बात बिल्कुल सही है। तो कह रहा है कि ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात करो, कुछ नहीं करना है, देखो इतना आ गया, तो अगर हम समय निकालें तो बेटे का समय कितना आ जाएगा, 2 घंटा। चाल हमें दी गई 18, तो देखो एक चीज़ और, अगर आप बाप का समय निकालेंगे तो बाप वाली चाल से गुणा करेंगे, अगर आप बेटे का समय निकालेंगे तो बेटे वाली चाल से गुणा करेंगे, उल्टा सीधा मत करिएगा वरना सवाल गलत हो जाएगा। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो चूंकि हमने बेटे के टाइम निकाला तो बेटे के हम चाल लेंगे, तो एस इंटू टी होता है तो 18 × 2 = 36 किलोमीटर पर आवर आ गया, तो सॉरी किलोमीटर केवल ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब अगर आपको शौक है कि नहीं हम बाप वाले से निकालेंगे तो बाप वाले करो, 1 यूनिट आया तो ये कितना आ जाएगा, 3 घंटे आ जाएगा, बाप का टाइम निकाला, अब बाप की वो ले लो चार ले लो, तो 12 × 3 = 36 वही आएगा, कर लो भाई ये बेटा कर लो भाई, आना दोनों में एक ही है, लेकिन गलत मत कर देना, मैं इसलिए बार बार आपको सिखा रहा हूँ कि आप कहीं गलत ना कर दें, क्योंकि अगर गलत कर देंगे तो मेरा पढ़ाना बेकार और आपका पढ़ना बिल्कुल व्यर्थ चला जाएगा ठीक है। तो देखो बड़ा क्वेश्चन लग रहा था लेकिन ये कुछ बड़ा था नहीं, अगर आप इसको लॉजिकली अगर आप सॉर्ट आउट करोगे तो आपको आराम से आ जाएगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, आप इसी में उलझ रहेंगे, 39 मिनट पहले शुरू किया 41 मिनट पहले पहुँच गए, तो इसी में आप उलझ के रह जाएंगे। जिसको स्क्रीनशॉट करना है कर ले या तो अपना नोट कर ले ठीक है, और क्वेश्चन बराबर लिख दीजिए, हर क्वेश्चन में अपना एक अलग टाइप है। अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का स्कूल से घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 6 मिनट देर से पहुंचता है, एक लड़का है एक बॉय है ठीक है, स्कूल चलता है, तो अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है, तो मान लो उसका ये टाइम था, मतलब प्रॉपर पहुंचने का ये टाइम था उसका, अब जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया तो भैया 6 मिनट लेट हो गया, 6 मिनट, मैंने बार बार कह रहा हूँ प्लस माइनस से कोई लेना देना है नहीं, अगर मैं लगाता हूँ तो लेट की लगा तो मैं लिख देता हूँ, आप लोग कहीं गलत ना कर दें, लेट पहुँचता है ठीक स्कूल।
अब कह रहे हैं अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, अगर 6 से जाएगा तो 6 मिनट क्या करेगा, जल्दी पहुंच जाएगा, 6 मिनट अर्ली पहुंच जाएगा। अच्छा तो ज़रा एक बात बताइए, तो अब कल लड़का 6 जब लेट चला था, 5 की स्पीड चला था तो 6 मिनट लेट पहुंचा था, आवाज़ जब 6 चला है तो अब एक बात बताओ, तो यहाँ से उसको दोनों चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी ना, कि वो तो ये देखेगा कि कल अगर गए थे 5 से तो लेट भी हो रहे थे और डंडे भी पड़े थे, और आज जब मैं 6 की स्पीड से गया तो मैं कल वाला लेट भी नहीं हुआ और 6 ज़्यादा पहुँच गया, तो उसको पता चला कि मैंने 12 मिनट टाइम कवर किया है, क्योंकि जब वो रोज़ लेट आता था 6 मिनट तो वो भी कवर किया और 6 मिनट जल्दी आ गया है तो और जब कवर किया तो 12 मिनट पहले पहुंच गया। अगर कल की तुलना करें, मतलब अगर इस वाले टाइम पीरियड से इस वाले टाइम पीरियड की तुलना करें, तो भाई यही तो 5 की स्पीड से जा रहा था ना इस जगह पे, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहीं से यहीं की तो तुलना करोगे, बात समझ में आ गई। तो अगर हम बात करें तो पहले कल जा रहा था 5, अब जा रहा है 6, तो ये क्या है, स्पीड है, स्पीड ही तो है बच्चे की चलने की रफ्तार है, ठीक है बॉय की। अगर हम कह दें भैया टाइम बता दो, तो आप क्या करोगे, 6 और 5 लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे। तो मेरे हिसाब से जो इसमें कल और आज के जो टाइम में अंतर आया वो आया 1 यूनिट, लेकिन भैया सवाल के हिसाब से कितना आया, सवाल के हिसाब से आया 12 यूनिट। तो सवाल में कहा गया है तो उसके घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपने दूसरे वाले की का टाइम निकाला तो आप दूसरी वाली चाल लेंगे, अगर आपने पहले वाले का टाइम निकाला तो आप पहली वाली चाल लेंगे, तो मैंने कहा दूसरे वाले के निकालो, तो 5 × 12 बराबर कितना आ गया, 60 मिनट, 60 मिनट को 1 घंटे लिख सकते हो भाई, लिख दिया। अब ये क्या है, 6, तो अगर डिस्टेंस करें तो D = S × T कर दो गुणा, 6 × 1 घंटा बराबर 6 किलोमीटर पर। अब अगर आपको शौक है ये वाला करने की तो करो, 6 में करो तो 12 × 6 = 72 और 5 तो 72 में जब करोगे तो 1 घंटा और 12 मिनट आएगा, फिर 12/60 करो तो 1/5 दोबारा से 1/5 आएगा, फिर इसमें गुणा करो तो बात वही आनी, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखिए कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर केवल आ जाएगा, उसकी घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, तो घर से स्कूल की डिस्टेंस 6 किलोमीटर। सवाल बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर आएंगे नहीं, ठीक है। और इसी टाइप के सवाल आपके CHSL में बहुत पूछे जाते हैं, अगर पूछा जाएगा तो यही वाला, वो नहीं आएगा कि इतनी चाल है इतना समय है तो आप दूरी बता दीजिए, ठीक है, वो नहीं पूछा जाएगा, तो उसके चक्कर में मत रहिएगा, ये अच्छे लेवल क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की चाल से ससुराल जाता है, बड़ी शौक है ससुराल जाने की, देखो क्या करता है व्यक्ति, क्या करता है, 40 किलो ससुराल जाता है तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, ये उसका टाइम था, उसको इस जगह इस टाइम पे पहुंचना था, 40 किलोमीटर की चाल से गया तो 2 घंटे पहले पहुंच गया, ठीक है। तो उसने कहा अब अगली बार ऐसा नहीं करेंगे, अगली बार क्या किया उसने, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, तब भी उसने क्या किया, तब भी वो 1 घंटे जल्दी पहुँच गया, 30 की गया तब भी 1 घंटे जल्दी पहुँच गया, कोई बात नहीं, बड़ा आदमी त्रस्त है। तो कह रहा है तो घर से ससुराल की दूरी ज्ञात कीजिए, सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप स्पीड निकालो, स्पीड का रेशियो निकालो, स्पीड का रेशियो क्या है, पहले 40 से जाता था अब जाता है 30 से, तो 0 0 कट कर दोगे, कट कर दें, इतना आ गया। मैं कहूँ टाइम का रेशियो बताओ, आपने बोला टाइम का रेशियो हो गया सर 3 और 4, तो बताओ उसको यहाँ पर पहुँचना है, ठीक है, कहाँ पहुँचना है उसको, यहाँ पर, तो अब वो क्या करे, तो यहाँ से वो ऑलरेडी यहाँ तो आ चुका है ना, यहाँ से उसको यहाँ पे पहुँचना है तो कितना, तो 1 ही घंटे तो बचा, 2 घंटे लेट हो रहा था, 30 है तो 1 घंटे लेट हो रहा था, तो उसको कवरिंग 1 ही घंटे तो करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से उसको यही तो डिफरेंस उसको केवल मिलेगा, तो 1 घंटे आ गया, 1 आया, तो मेरे हिसाब से कितना अंतर है, 1 यूनिट का, सवाल के हिसाब से 1 घंटा, दूरी ज्ञात करनी है, अगर इसकी दूरी लोगे तो इसकी चाल तो इसी के ले लो तो हो जाएगा 4 घंटे, इतनी है, तो बस डिस्टेंस निकाल लो, ससुराल से घर की दूरी D × T, तो 3 × 4 = 12
किलोमीटर। अगर इसका करोगे तो आज कितना आ जाएगा, 3, और 4 इसकी स्पीड है तो 4 गुणे 3 बार फिर से 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से आपका आंसर है। बस जैसे यहाँ पे अभी आपको एक घंटे लेट जल्दी और बाद वाला बता रहा था, अब उसने कह दिया कि दोनों बार वो जल्दी पहुँच जाता है, तो दोनों बार जल्दी पहुँच जाता है तो ऐसे ही तो ग्राफ बनेगा, तो उसको टाइम ट्रेवलिंग का यही तो मौका मिलेगा। तो दो जाता था एक जाता, तो एक ही घंटे तो उसका अंतर आया, सवाल के हिसाब से एक आया था। बात समझ में आ गई? मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए, ठीक है। बड़े सरल सरल क्वेश्चन थे। चलो अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, और अब मैं जो अगला ट्रिक होगी, अगला जो तरीका होगा अगली बार बताऊंगा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट कहता है, एक आदमी अपने घर से ससुराल की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शुरू करता है और वह एक घंटे लेट जाता है। एक्चुअल टाइम ये है, एक घंटे लेट पहुंचा अपने ससुराल, ठीक है। और कह रहा है कि अगर 80 किलोमीटर, तो सबसे पहले स्पीड का रेशियो निकालो व्यक्ति की, पहले जाता था 60 से, अब जाता है 80 से। 0-0 हटा दें, जी हाँ हटा दो, काटना नहीं है, आपका कट जाएगा, जबकि काटना नहीं है, टाइम में काटना है। मैं कहूँ टाइम का रेशियो निकाल दो, आपने कहा 8 और 6, मैं कहा कट कर लो 4-3। समझ में आ गया? 4-3 आ गया। तो कह रहा है कि 2 घंटे जल्दी पहुँच जाता है, अभी 1 घंटे लेट पहुँच रहा था, अब क्या है 2 घंटे जल्दी पहुँच जाएगा। बताओ टोटल दोनों की कवरिंग कितनी करनी पड़ेगी? तो भैया 3 घंटे करनी पड़ेगी। मेरे सवाल के हिसाब से कितनी करनी पड़ेगी? 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 3 घंटे। अगर इसका निकालें तो 3 × 9 घंटे, इसी की चाल ले लो वास्तविक चाल। पहले तो घर से दूरी की ज्ञात करो, तो d बराबर s × t, तो 8 × 9 बराबर 972 किलोमीटर वास्तविक दूरी आ गई। अब कह रहा है कि वास्तविक चाल ज्ञात करो, तो वास्तविक चाल, तो वास्तविक चाल दूरी दी गई, वास्तविक पहले समय ज्ञात कर लो। देखो 9 घंटे आया है, तो 9 घंटे देखो, हाँ ठीक है, जब वो 9 घंटे उसको लगते हैं तो 1 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। तो अगर हम कह दें कि टाइम से पहुंचे तो 1 घंटे जल्दी, भाई इसी का तो हमने टाइम निकाला है, दूसरे वाले का, तो 9 घंटे लगते हैं, तो जब वो 9 घंटे 8 की स्पीड जाता है, 9 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो मैं कहता हूँ 1 घंटे उसको पहले, 1 घंटे देर में पहुंचता है, तो देर पर, तो मैं कहता हूँ कि उसको देर मत करवाओ, उसको टाइम से पहुंचवाओ। तो आप क्या करोगे उसके वाले में? गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? मैंने दूसरे का निकाला है, 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता है, 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता है, तो उसको टाइम से पहुंचाना है आपको, तो आपका क्या करेंगे, 2 इसमें ऐड कर देंगे, 9 में 2, तो 11 आर हो जाएगा। सही जा रहा है, देखो थोड़ा सा गलत यहाँ पे हो गया, जब यहाँ पे 60 और 80 था, ठीक है, मैंने यहाँ पर 8 और 6 कर दिया, जबकि मैंने कहा था काटना नहीं वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर 80 की स्पीड जाएगा तो 720 किलोमीटर जाएगा ना। बात समझ में आई? 720 किलोमीटर जाएगा, तो 9 घंटे लेता है, तो अगर हम बात करें कि 9 घंटे लेता है तो 1 घंटे, तो 2 घंटे क्या करता है भाई, पीछे वाले कम नहीं कर रहा, 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता है, तो 2 घंटे उसको लेट करवाना है, तो 9 में 2 तो 11 आवर आ जाएगा। तो हमारी जो, चलो खैर इसको छोड़ो, अब अगले वाले उसमें बताते हैं। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक 720 आएगा, क्योंकि जो 60 था और 80 था हमने अलग इसको काट दिया था, लेकिन हमें 0 काट देना चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ पे यूनिट के गुणा करें तो हमें याद रखना चाहिए ना कि 80 की चाल थी, 8 की चाल थोड़ी ना थी। 720 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी, ससुराल से घर की दूरी कितनी आ जाएगी, 720 किलोमीटर। इसी के साथ में नमस्कार, जय हिंद, हम अगला चैप्टर लेकर आपको अगली बार मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट के ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाते हैं। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे होम, स्टे हेल्दी, और आनंद करिए। चलिए।